नमस्कार साथियों, मैं विमल सजवाण। पाती मुहिम में मेरी आज की जो पाती है, जिसका मैं अभी बताया कि उसका शीर्षक मैंने दिया है प्रकृति की पाती मानव के नाम, यानी जो प्रकृति है मानव को क्या संदेश दे रही है, यही इस पाती में लिखने की कोशिश की गई है। मानव ने अपने स्वार्थ के बस में प्रकृति का कितना नुकसान कर दिया है और निरंतर नुकसान करे जा रहा है, जिसके किसी दिन बहुत घोर और बहुत घोर परिणाम निकलेंगे। आज बेशक हमें उन्नति दिख रही है दोस्तों, मेरे साथियों, आज बेशक हमें अपनी उन्नति जरूर दिख रही है कि आज हम कहाँ पहुँच गए, साइंस कहाँ पहुँच गया है और हम तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, नए शहरों को बसा रहे हैं और इस तरह से हम लोग जंगलों को काट के क्या बोलते हैं, अपने पहाड़ों को काट करके और दुनिया भर की हमने एसेट्स बना लिए है आज की तारीख में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि हमने उतना ही प्रकृति का जो है हमने नाश कर दिया है। बेशक हमारी उन्नति हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जैसे समाज बढ़ रहा है, दुनिया बढ़ रही है, बढ़ रही है बेशक, लेकिन जो प्रकृति का है, प्रकृति को तो हमेशा नुकसान ही हो रहा है इस चीज से। और प्रकृति ने हमें हर चीज़ प्रकृति से मिली है, चाहे वो कोई भी चीज़ आप लेके चले, हमने साइंस में भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, कोई भी चीज़ हमने बना दी हो साइंस में, लेकिन उसका जो आप मूलभूत स्रोत देखेंगे वो प्रकृति ही है। चाहे आप उससे ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, स्टील वगैरह सारी चीज़ें ले लीजिए, हर चीज़ उसी चीज़ में है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम एक हिसाब से प्रकृति के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ भी जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे कर दी हैं कि जो हमने करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो उसका मतलब वही है कि हमने तरक्की के नाम पे ये सब चीज़ें करी है। तो दोस्तों, तो लीजिए आज का ये जो मैं संदेश है, प्रकृति का संदेश, वो मानव के नाम आपको सुनाता हूँ। प्रकृति मानव से क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है और किस हिसाब से कह रही है, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो लीजिए प्रकृति की पाती मानव के नाम। प्रकृति कहती है, हे मानव, तू दानव बन गया है, अब तू मेरा रक्षक नहीं भक्षक बन चुका है। मैंने तुझे जीवन दिया और तू मुझे मौत दे रहा है। प्रकृति एक हिसाब से जिंदा है, सारी चीज जिंदा है, तो प्रकृति का नाश हो रहा, मीन्स वो विनाशी है सारी चीज। प्रलय काल अर्थात जब नवजीवन प्रारंभ हुआ था, तब से ही मैंने तुझे अपनी गोद में शरण दी। प्रकृति ने हर मानव को अपनी गोद में शरण दी है। तुझे जीवन वायु देकर जीवन की मर्यादा बनाए रखी, अन्न जल सोने चांदी के भंडार दिए, तुझे जो कुछ जीवन यापन के लिए चाहिए था वह सब मैंने तुझे दिया। मेरे बगैर तेरी एक सांस न चलती, मेरे बगैर तेरी एक सांस न चलती, अगर मेरे पेड़ पौधे जीवन वायु न अर्जित करते। हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो पेड़ पौधों से ही मिलता है। हमारा जीवन तभी चल पा रहा है जब हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। जिस दिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारा जीवन वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो क्या कह रही है प्रकृति कि मेरे बगैर तेरी एक सांस न चलती, अगर मेरे पेड़ पौधे जीवन वायु न अर्जित करते। तेरा जीवन प्यासा ही रह जाता, अगर मेरे झरने नदी
तालाब कुएं तुझे जल न देते, मेरे पेड़ों ने तुझे फल दिए ताकि तू स्वस्थ रहे, मेरे पौधों ने तुझे फूल दिए ताकि तुझे वातावरण में सुखद सुगंध की अनुभूति हो, मैंने तुझे बन दिए ताकि तू जीवन वायु ले सके, मैंने तुझे तरह तरह के औषधीय पौधे दिए ताकि तू निरोग रह सके। देखिए कितनी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, सारी चीजें प्रकृति से हमें मिली हैं और हम उन चीजों को संजो करके भी बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम इन चीजों पे चले जाते हैं जहाँ पे हम विकास की बात करते हैं तो साथ साथ वो सब चीज भी चल रही है, विनाश की भी तरफ भी हम चल रहे हैं। आगे क्या कहती है प्रकृति, मैंने तुझे दिन रात दिए ताकि तू दिन को कोई नीतिगत कार्य करे और रात्रि को मेरे तारों की छांव में विश्राम कर सके, मैंने तुझे खनिज संपदा दी जो कि तेरे जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी थे, मेरे झरनों ने तुझे संगीत दिया, मेरी छटाओं ने तुझे सुर दिए, मेरे पहाड़ों ने तुझे सुर लहरी दी, पंछियों की चहचहाट, भंवरों की गुनगुन व ताजगी युक्त सह दिया, मैंने तुझे सूरज की रोशनी दी ताकि तेरे जीवन में अंधेरा न रहे, सूरज की गर्मी दी ताकि तेरा शरीर रोग मुक्त रहे। मित्रों यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सूरज की गर्मी एक ऐसी चीज है, अगर हम कंटिन्यूस रोज हम एक नियम बना लें आधा घंटा धूप सेकनी है, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी चीज हो, तो 60-70% बीमारियां इंसान के अंदर की वैसे ही खत्म हो जाती हैं। धूप एक इतनी अच्छी चीज है। तो प्रकृति क्या कह रही है कि सूरज की गर्मी दी ताकि तेरा शरीर रोग मुक्त रहे, चंद्रमा की शीतलता दी ताकि तेरा शरीर सूरज की किरणों से झुलस न जाए और तू रात्रि के अंधेरे में कहीं गिर वर न जाए, मैंने तुझे वर्षा दी ताकि पेड़ पौधों का जीवन खुशहाल हो और हरियाली बनी रहे और अन्न व फल फूल सही समय पर सुरक्षित और विकसित हो सके, मगर हे निर्दयी निर्लज मानव, तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी कितना बड़ा धनाढ्य बन जाऊं, कितना बड़ा मैं धन का थैला दबोच लूं, कितनी जल्दी मैं धन एकत्रित कर दूं। तू हर दिन हर पल मेरी छाती पर तांडव करता रहा, तूने कुठाराघात करके मुझे अब असहनशील बना दिया है, मैं खुद कई बार अपने स्वभाव को भूल जाती हूँ और कई बार अपने स्वभाव को भूल जाने पर मैं, यह सब तेरे कर्मों का नतीजा है, तेरे कारण न जाने कितने निरपराध बेमौत मारे जाते हैं और वे वक्त मारे जाते हैं, मैंने कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान बनाए ताकि धरती अपनी धुरी पर सही तरह से टिकी रह सके। आप देखें वास्तव में कि प्रकृति ने जब तालमेल बिठाया होगा, कहीं मैदानी इलाके बनाए कहीं पहाड़ी इलाके बनाए, तो एक सामंजस्य बनाया होगा प्रकृति ने कि जैसे एक नेचर को सही डेवलप कर सके और पृथ्वी को एक अपने सही रूप में रख सके, सही दिशा में रख सके, सही टिका के रख सके। लेकिन आगे क्या कहती है प्रकृति कि मैंने
कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान बनाए, ताकि धरती अपनी धुरी पर सही तरह से टिकी रह सके। मगर हे कलयुगी दानव, देखिए क्या उपमा दे रही है कि मगर हे कलयुगी दानव, तूने अपनी महत्वाकांक्षा में मेरे वन उपवन काटकर शहरीकरण कर दिया। अभी मैं जो चीज कह रहा था कि शहरीकरण के कारण हमने कितनी चीजें ऐसे विनाश कर दी हैं जो प्रकृति ने हमें एक हिसाब से देख लीजिए कि वो दान है प्रकृति का, हमारे ऊपर कर्जा है, और हमने उन चीजों को गंवा दिया है। आगे क्या कहती है कि पहाड़ों को काटकर मैदान बना दिया, पहाड़ों से पत्थर निकाल निकाल कर शहरों को सीमेंट का जंगल बना दिया, मेरी स्वच्छ बहती निर्मल जलधारा में गंदे नाले मिलाकर दूषित कर दिया, मेरी अविरल बहती नदियों पर विराम लगाकर डैम बना दिया, मेरी शुद्ध बहती जीवन वायु में तूने कारखानों का जहर घोल दिया, मेरी छाती में विस्फोट कर करके पूरी धरती को हिला दिया। हे मानव, तू विकास की दौड़ में विनाश की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, हे मानव, तू विकास की दौड़ में विनाश की तरफ बढ़ रहा है। तेरी विस्तारवादी सोच मनुष्य, पशु पक्षी, वातावरण सब कुछ बर्बाद कर देगी। तेरी जो ये विस्तारवादी नीति है, विस्तारवादी सोच है, ये मनुष्यों को तो छोड़ो, पशु पक्षी वातावरण सबको बर्बाद करके रख देगी। तुझे प्रकृति से छेड़छाड़ पर अंकुश लगाना होगा। तुझे बार बार समझाने पर भी तू नहीं समझा। प्रकृति बार बार हम लोगों को इशारे देती है, इंसान को इशारे दे रही है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा उस चीज को, क्योंकि वो विकास के चक्कर में चल रहा है। सारा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन हमने साथ साथ प्रकृति का जो नाश किया है, वो हमें कहीं विकास के दौर पे कहीं भरपाई संभव नहीं है, उसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। आगे क्या कहती है प्रकृति कि तुझे बार बार समझाने पर भी तू नहीं समझा, और आज जब तेरे साथ अपना भी विनाश देखती हूँ, अब प्रकृति को भी दिख रहा है कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो प्रकृति को अपना विनाश दिख रहा है। प्रकृति क्या सोच रही है कि आज जब तेरे साथ साथ अपना भी विनाश देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। प्रकृति रो रही है, अपने आप में रो रही है, लेकिन वो बताए किसको? मनुष्य है, मनुष्य तो बता सकता है कि मेरे को दुख दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीजें मनुष्य बता सकता है, लेकिन प्रकृति क्या करेगी? हमने अपने स्वार्थ के निहित इतनी वेदनाएं प्रकृति को दे दी हैं कि जिनका वापस लौटाना शायद असंभव होगा, और शायद यही कारण होगा कि बताते हैं कि कई बार प्रलय हो चुकी है। मेरे को लगता है कि यही चीजें हैं कि जब बार बार हम लोग ऐसे काम करते हैं तो प्रकृति अपना उसका अपना रुष्ट होके उस पर नाराजगी जताती है, और शायद ये तहस नहस इसीलिए होते हैं कि जिन चीजों के लिए हम उत्तरदायी हैं। आगे क्या कहती है प्रकृति कि हे मानव, आज जब तेरे साथ अपना भी विनाश देखती हूँ तो मुझे रोना आता है अपनी दुर्दशा पर। हे मानव, मैं तुझसे बहुत रुष्ट हूँ, और समय समय पर मैं तुझे चेता भी रही हूँ, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, तो कभी सड़क हादसों के रूप में। परंतु हे जड़ बुद्धि, ना जाने तो कब जागेगा। हे जड़ बुद्धि मानव, ना जाने तो कब जागेगा, और शायद वही तेरे जीवन का अंतिम दिन होगा, और शायद
वही तेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। दोस्तों, कहीं न कहीं हम अगर इन चीजों को मानस पटल पर देखें तो लगता है कि बिल्कुल ये बहुत बड़ी वेदना है प्रकृति की, जिसने हमें इतनी सारी चीजें दी, हमने उसका धीरे 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 करके विनाश करते चले गए, विनाश करते गए, और रुष्ट होकर प्रकृति ने हमें दंड भी दिया। कई बार प्रकृति हमें बता भी रही, चेता भी रही है कि मैं बाढ़ के रूप में मैंने ऐसे कर दिया है, बाढ़ ला रही, भूकंप ला रही, कितने सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़कें टूट के बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। लेकिन वही है कि इंसान समझने को राजी नहीं है, अपनी जिद में विकास की दौर में इंसान चल रहा है कि विकास करना है, विकास करना है। और शायद यही कारण है कि एक दिन जब फिर प्रलय होगी, उसका भी सबसे बड़ा कारण यही होगा कि हम विकास के दौर में विनाश लीला कर बैठे हैं। अंत में प्रकृति यही कह रही है कि जिस दिन तू जागेगा, अभी तो तू, मैं तेरे को बार बार चेता रही हूं, बार बार समझा रही हूं, बार बार तेरे को झटके दे रही हूं कि ऐसे अपने आप को रोको, थोड़ा प्रकृति की तरफ ही ध्यान दो, मेरी तरफ ही ध्यान दो, अंकुश लगाओ अपने ऊपर। लेकिन जिस दिन ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, उस दिन इंसान क्या होगा, इंसान सोचने भी नहीं लगे पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा, और उस दिन क्या होगा, प्रकृति कहती है कि शायद वही तेरे जीवन का अंतिम दिन हो, और शायद वही तेरे जीवन का अंतिम दिन हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका, आपने प्रेम से सुना।